क्रिकेट के अंदर हर साल एक प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया जावे और ये जो अवार्ड है यो साल का सबसे बेस्ट खिलाड़ी दिया जावे। तो आज ये वीडियो में बात करते हैं पिछले 10 साल से यो अवार्ड कौन से खिलाड़ी मिले हुए। तो सबसे पहला बात करें 2023 के बारे में, तो 2023 में ये अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने मिले हुए। ऑस्ट्रेलिया के लिए साल 2023 में टेस्ट और वनडे वर्ल्ड कप में चैंपियन बना वाला कप्तान पैट कमिंस है और इसलिए इस खिलाड़ी ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को अवार्ड मिले हुए। बात करें 2022 के बारे में, तो 2022 में बेस्ट खिलाड़ी को अवार्ड पाकिस्तान के बाबर आजम ने मिले हुए। पाकिस्तान को जो धक्कड़ बल्लेबाज बाबर आजम है बिना ICC 2022 में क्रिकेट ऑफ द ईयर को अवार्ड चुना गयो और ये अवार्ड जीत बाड़ो पाकिस्तान के लिए बाबर आजम दूसरा खिलाड़ी है। 2021 के बारे में बात करें तो 2021 में भी ये अवार्ड पाकिस्तान के शाहीन शाह आफरीदी ने मिले हुए। पाकिस्तान के लिए तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी ने ICC 2021 को क्रिकेट ऑफ द ईयर को अवार्ड चुनो और यो अवार्ड पाकिस्तान के लिए सबसे पहली बार कोई खिलाड़ी ने मिले हो। तो 2021 में पाकिस्तान के लिए शाहीन शाह आफरीदी और 2022 में पाकिस्तान के लिए बाबर आजम ने ये दो अवार्ड मिले रहे। बात करें 2020 के बारे में, तो 2020 में विराट कोहली ने यो अवार्ड मिले हुए। 2020 में ICC भारत का जो स्टार खिलाड़ी है विराट कोहली बिने दशक को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट चुनियो और 2020 को जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड है वो विराट कोहली ने मिले हुए। बात करें 2019 के बारे में, तो 2019 को जो बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड है वो मिले हुए बेन स्टोक्स ने। 2019 में इंग्लैंड के लिए वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन और साथ में एशिया सीरीज में बहुत धमाल प्रदर्शन करवाओ बेन स्टोक्स ने ICC प्लेयर ऑफ द अवार्ड चुनियो। 2018 के बारे में बात करें, तो 2018 में भी विराट कोहली एक बार फिर से ICC प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड चुने गयो। साल 2017 की बात करें, 17 में भी विराट कोहली ने ICC प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड दियो। विराट कोहली के बाद में साल 2016 में प्लेयर ऑफ द ईयर को जो अवार्ड है वो रविचंद्र अश्विन ने मिलो। रविचंद्र अश्विन 20 साल टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करके दिखायो। बात करें साल 2015 के अंदर, तो साल 2015 में स्टीव स्मिथ जो कि एक ऑस्ट्रेलिया को बैट्समैन है, तो साल 2015 में टीम को जो घरेलू स्तर जमीन पर वर्ल्ड चैंपियनशिप बनाने को जो अहम योगदान दियो हो वो स्टीव स्मिथ को, और इसलिए स्टीव स्मिथ ने 20 साल प्लेयर ऑफ द ईयर को अवार्ड मिलो। लास्ट में अगर बात करें 2014 के बारे में, तो 2014 में ऑस्ट्रेलिया को जो मिचेल जॉनसन है जो कि ऑस्ट्रेलिया को बाएं हाथों तेज गेंदबाज है बिना ICC 2014 को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने। तो एक आगे यही 10 साल का टोटल प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, इनमें से सबसे ज्यादा बार 3 बार विराट कोहली ने 2017 2018 और 2020 में अवार्ड मिले हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थानी वीडियो चोखा लगी है तो वीडियो लाइक कर दियो और हाँ आगे भी कई थाने और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो शेयर भी कर दियो।